दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेस्ट वाटर के प्रारंभिक उपचार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। यानी कि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में जो अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और इनका जवाब भी बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो ढेर सारी कठिनाइयां आ जाती हैं। तो जिन भी दोस्तों को वेस्ट वाटर के प्रारंभिक उपचार से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर को जानना है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इससे अगर आपको जानकारी मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको आप शेयर कर देना। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए समझते हैं वेस्ट वाटर के प्रारंभिक उपचार के टॉप 30 क्वेश्चन और आंसर को। इसको हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने वाले हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। इस कड़ी का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेस्ट वाटर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, यानी कि वेस्ट वाटर का प्रारंभिक उपचार का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर देखिए, वेस्ट वाटर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट एम टू रिमूव लार्ज सॉलिड्स एंड डेब्रिज फ्रॉम रॉ सीवेज बिफोर फर्दर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, यानी कि वेस्ट वाटर प्रारंभिक उपचार का उद्देश्य आगे की ट्रीटमेंट प्रोसेस से पहले जो रॉ सीवेज से बड़े ठोस मलबे को हटाना होता है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द प्राइमरी मेथड्स यूज इन प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, यानी कि प्रारंभिक उपचार में उपयोग की जाने वाली जो प्राथमिक जो गतिविधियां क्या है। इसका आंसर देखिए, द प्राइमरी मेथड्स इंक्लूड्स स्क्रीनिंग ग्रीट रिमूवल एंड समटाइम्स कम्युनिकेशन, यानी कि प्राथमिक जो उपचार में जो यूज की जाने वाली जो गतिविधियां है उसमें है स्क्रीनिंग ग्रीट हटाना और कभी कभी कम्युनिकेशन भी इसमें शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज स्क्रीनिंग इन वेस्ट वाटर, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग क्या है। इसका आंसर देखिए, स्क्रीनिंग इन्वॉल्व्स पासिंग वेस्ट वाटर थ्रू स्क्रीन्स टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज प्लास्टिक्स रैक्स एंड डेब्रिज, यानी कि स्क्रीनिंग में प्लास्टिक जो चिथड़े जिनको बोलते हैं और मलबे जैसे बड़ी वस्तुओं को हटाने के लिए स्क्रीन के माध्यम से वेस्ट वाटर को पास किया जाता है या उससे गुजारा जाता है, तो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज ग्रीट रिमूवल वर्क इन प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, यानी कि प्रारंभिक उपचार में ग्रीट रिमूवल कैसे काम करता है। इसका आंसर देखिए, ग्रीट रिमूवल इन्वॉल्व सेटलिंग सेंट्रीफ्यूगेशन टू रिमूव हैवी पार्टिकल्स लाइक सैंड ग्रेवल्स एंड ग्रीट फ्रॉम वेस्ट वाटर, यानी कि ग्रीट हटाने में वेस्ट वाटर से जैसे रेत बजरी और ग्रीट जैसे जो भारी जो पार्टिकल्स को हटाने के लिए सेटलिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई इज कम्युनिकेशन समटाइम्स यूज इन प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, यानी कि कभी कभी प्रारंभिक उपचार में कम्युनिकेशन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व श्रेडिंग और ग्राइंडिंग लार्ज सॉलिड टू स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर इजियर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग डाउन स्ट्रीम, यानी कि कम्युनिकेशन का उपयोग यूज करते हैं जहां पर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, उनको ग्राइंड करने के लिए, जिससे जो बड़े पार्टिकल हो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए और उसको हैंडल करना और प्रोसेसिंग करना क्या इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स यूज इन वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग, यानी कि वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग में उपयोग की जाने वाली समान प्रकार की स्क्रीन क्या है। इसका आंसर देखिए, कॉमन टाइप इंक्लूड्स बार स्क्रीन कोरस स्क्रीन फाइन स्क्रीन एंड ड्रम स्क्रीन, यानी कि समान प्रकार की जो स्क्रीन जो यूज की जाती है वेस्ट वाटर में उसमें से है कोरस स्क्रीन फाइन स्क्रीन ड्रम स्क्रीन और बार स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ इज द कलेक्टेड ग्रीट डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर रिमूवल, यानी कि जो कलेक्टेड ग्रीट को हटाने के बाद उसका डिस्पोज कैसे किया जाता है। इसका आंसर देखिए, कलेक्टेड ग्रीट इज ऑफन डीवाटर्ड ड्राइड एंड डिस्पोज ऑफ इन लैंडफिल्स आर यूज टू बेनिफिशियल पर्पज सच एज कंस्ट्रक्शन फील, यानी कि जो एकत्रित जो गंदगी होती है जिसको कलेक्टेड ग्रीट बोलते हैं, तो जो एकत्रित गंदगी है को अक्सर पानी से साफ किया जाता है, फिर इसको सुखाया जाता है, फिर इसको या तो लैंडफिल के लिए या तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां पर लैंडफिल के लिए भी इसको यूज लाया जाता है। इसको अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि कहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है और किस टाइप का। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ ए स्क्रीनिंग सिस्टम,
यानी कि स्क्रीनिंग सिस्टम के डिजाइन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, फैक्टर इन्फ्लुएंस फ्लोरिड, वेस्ट वाटर कंपोजिशन, साइज ऑफ सॉलिड्स एंड स्पेस कॉन्स्टेंट्स। यानी कि फैक्टर्स की हम लोग बात करें तो है फ्लोरिड, वेस्ट वाटर की कंपोजिशन, सॉलिड की साइज और स्पेस की जो कमी होती है ये भी इसमें शामिल होती है। तो ये फैक्टर है जो स्क्रीनिंग सिस्टम के डिजाइन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, यानी कि तापमान प्रारंभिक उपचार प्रोसेस की एफिशिएंसी को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर देखिए, वार्मर टेम्परेचर जनरली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीनिंग एंड ग्रीट रिमूवल बाय रिड्यूसिंग विस्कोसिटी एंड इंक्रीजिंग सेटलिंग रेट्स। यानी कि वार्मर टेम्परेचर में जनरली देखा जाता है, यानी कि सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जो स्क्रीनिंग और ग्रिड रिमूवल की जो एफिशिएंसी है ये बढ़ जाती है, क्योंकि वार्मर टेम्परेचर है तो जो विस्कोसिटी होती है वाटर की वो कम हो जाती है और जो सेटलिंग की जो रेट्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जो वार्मर टेम्परेचर में जो आप प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी देखेंगे कि वो ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि बहुत अच्छे से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस इन प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो यानी कि प्रारंभिक उपचार सुविधाओं में उचित रख रखाव का क्या महत्व है। तो इसका आंसर देखिए, प्रॉपर मेंटेनेंस इंश्योर दैट इक्विपमेंट ऑपरेट्स इफिशियंटली एंड प्रिवेंट ब्लॉकेज एंड मैनिपुलेशन। यानी कि प्रॉपर मेंटेनेंस से सुनिश्चित होता है कि जो इक्विपमेंट है कुशलतापूर्वक ये वर्क कर रही है और जो ब्लॉकेज और जो मैनिपुलेशन को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस मॉनिटर्ड। यानी कि प्रारंभिक उपचार प्रोसेस की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की निगरानी कैसे की जाती है। इसका आंसर देखिए, परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड बाय मेजरिंग इन्फ्लुएंट एंड इफ्लुएंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्लोरेट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेब्रिज कॉन्टेंट। यानी कि फ्लोरेट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और डेब्रिज कॉन्टेंट जैसे प्रभावशाली और फ्लो विशेषताओं को मापकर परफॉर्मेंस की निगरानी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द सम चैलेंजेस फेस्ड इन प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। यानी कि वेस्ट वाटर के प्रारंभिक उपचार में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए, चैलेंजेस इंक्लूड वेरिएशन इन वेस्ट वाटर कंपोजिशन, क्लॉगिंग ऑफ स्क्रीन्स एंड द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक और हजार्डस मटेरियल। यानी कि चुनौतियों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होती है वेस्ट वाटर के कंपोजिशन में वेरिएशंस जो होती हैं, स्क्रीन का बंद होना यानी कि स्क्रीन का क्लॉगिंग होना और टॉक्सिक और हजारस मटेरियल की उपस्थिति, ये सब शामिल होते हैं जो वेस्ट वाटर के प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के जो चैलेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट कंट्रीब्यूट टू ऑर्डर कंट्रोल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि प्रारंभिक उपचार में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ऑर्डर कंट्रोल में कैसे योगदान देता है। इसका आंसर देखिए, बाय रिमूविंग लार्ज सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर ऑर्डर जनरेटेड इन डाउनस्ट्रीम ट्रीटमेंट प्रोसेस। यानी कि लार्ज सॉलिड मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करके प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट से डाउनस्ट्रीम ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो ऑर्डर जनरेट होने की जो संभावना होती है इसको कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। यानी कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या हैं? इसका आंसर देखिए, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन डिग्रेड वाटर क्वालिटी, हार्म एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड पोज रिस्क टू पब्लिक हेल्थ थ्रू द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। यानी कि इसमें अगर हम लोग देखें तो अनट्रीटेड जो वेस्ट वाटर वाटर की क्वालिटी को खराब कर सकता है, जो एक्वेटिक जो लाइफ है उनको नुकसान पहुंचाता है और जो जलीय जो बीमारियां होती हैं यानी कि जल से जो फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं इसके माध्यम से वो फैल सकती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। यानी कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की ओवरऑल एफिशिएंसी में कैसे योगदान देता है। इसका आंसर देखिए, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट सेट्स द स्टेज ऑफ मोर इफिशियंट सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस बाय रिड्यूसिंग द ऑर्गेनिक एंड सॉलिड लोड इन वेस्ट वाटर। यानी कि प्रारंभिक उपचार वेस्ट वाटर में कार्बनिक और सॉलिड जो मटेरियल को कम करके अधिक कुशल माध्यमिक और जो टर्शियरी ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए
एक बेस तैयार कर देता है, यानी कि ये मंच तैयार कर देता है, तो ये उदाहरण देता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट एडवांसमेंट हैव बीन मेड इन प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रारंभिक उपचार प्रौद्योगिकी में क्या प्रगति हुई है। इसका आंसर देखिए, एडवांसमेंट इंक्लूड द यूज ऑफ एडवांस स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी, इंप्रूव ग्रिड रिमूवल सिस्टम एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। यानी कि और जो हम लोग इसके प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट की और टेक्नोलॉजी और इसकी इंप्रूवमेंट की बात करें, यहां पर अभी यूज करते हैं एडवांस स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इंप्रूव किए हैं जो ग्रिड रिमूवल सिस्टम को और इसको ऑटोमेशन में लेके आए हैं, जिससे जो पूरा सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करेगा और जो अच्छा इसका परफॉर्मेंस, यानी कि इसके परफॉर्मेंस में भी वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रीनिंग सिस्टम मेजर्ड, यानी कि स्क्रीनिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे मापी जाती है। इसका आंसर देखिए, एफिशिएंसी ऑफ ऑफन मेजर बाय द परसेंटेज ऑफ सॉलिड रिमूव फ्रॉम द इन्फ्लुएंट वेस्ट वाटर स्ट्रीम, यानी कि इसकी एफिशिएंसी को देखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आपकी जो स्क्रीनिंग है उससे जो वेस्ट वाटर जो है जिससे जो पास कर रहे हैं तो कितना परसेंट जो है जो सॉलिड हो पास हो रहा और कितना परसेंट रिमूव हो रहा, जिससे इसकी एफिशिएंसी पता चलती है कि कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, कितने परसेंट इसकी एफिशिएंसी है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर सम सेफ्टी कंसिडरेशन व्हेन वर्किंग विद प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इक्विपमेंट, यानी कि प्रारंभिक उपचार इक्विपमेंट के साथ काम करते समय कुछ सुरक्षा संबंधी बातें क्या है। तो इसका आंसर देखिए, सेफ्टी कंसिडरेशन इंक्लूड प्रॉपर ट्रेनिंग, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड एडहेसमेंट टू लॉकआउट एंड टैग आउट प्रोसीजर। यानी कि सेफ्टी कंसिडरेशन की हम लोग बात करें तो इसमें कर सकते हैं कि जो वर्क कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग हो, जितने भी जो जो पीपी जो पहने हैं, यानी कि जो जितने भी जो पीपी जो नेसेसरी है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो उसको क्या है वो वियर किया हो और लॉग आउट टैग आउट का जो प्रोसीजर होता है इसको प्रॉपर फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट रोल डज फ्लो रेट प्ले इन प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, यानी कि प्रारंभिक उपचार में फ्लो रेट की क्या भूमिका निभाती है। इसका आंसर देखिए, फ्लो रेट अफेक्ट्स द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीनिंग एंड ग्रिड रिमूवल प्रोसेसेस विद हायर फ्लो रेट रिक्वायरिंग लार्जर एंड मोर रिवर्स्ड इक्विपमेंट। यानी कि फ्लो रेट स्क्रीनिंग और ग्रिड हटाने की प्रोसेस की कैपेसिटी और क्षमता को प्रभावित करती है। हाई फ्लो रेट के लिए बड़े और अधिक मजबूत इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि ग्रामीण और शहरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रारंभिक उपचार कैसे भिन्न होता है। तो देखिए आंसर इसका, इन रूरल एरिया प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट मे बी सिंपलर एंड फोकस प्रीलिमिनरी ऑन स्क्रीन एंड ग्रिड रिमूवल, वाइल अर्बन प्लांट्स में है मोर एडवांस सिस्टम एंड हैंडल हाई वॉल्यूम एंड डाइवर्स वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रारंभिक उपचार सरल हो सकता है और मुख्य रूप से स्क्रीनिंग और ग्रिड हटाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, लेकिन जो जो शहर की जो होती है, शहर में हाई वॉल्यूम और डाइवर्स वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स को संभालने के लिए हाई कैपेसिटी वाले जो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, यानी कि एडवांस जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बार स्पेसिंग इन स्क्रीनिंग सिस्टम्स, यानी कि स्क्रीनिंग सिस्टम में बार स्पेसिंग का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर देखिए, बार स्पेसिंग डिटरमाइन द साइज ऑफ सॉलिड्स दैट कैन पास थ्रू द स्क्रीन्स विथ स्मॉलर स्पेसेस कैप्चरिंग फाइन पार्टिकल्स एंड डेब्रिस। यानी कि बार स्पेसिंग उन सॉलिड मटेरियल के साइज को निर्धारित करती है जो स्क्रीन से पास हो सकते हैं, यानी कि जिस जो स्क्रीन्स की जो बार्स हैं उनकी स्पेसिंग जितनी कम है उससे उतने ही छोटे पार्टिकल्स ट्रैप होंगे। जहां पर जो बार की स्पेसिंग ज्यादा होगी तो उससे जो हायर जो स्पेस की जो साइज है उससे जो हायर पार्टिकल जो होंगे उससे ट्रैप होंगे, उससे जो फाइन साइज के जो पार्टिकल होंगे उसे पास हो जाएंगे। तो बार स्क्रीनिंग का बहुत ही महत्व है और इसका यही पर्पज होता है कि हमको जितना कम पार्टिकल पास कराना है या जितने कम साइज का पार्टिकल पास कराना उसी हिसाब से इसकी स्पेसिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इंपैक्ट एनर्जी कंजप्शन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि प्रारंभिक उपचार में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एनर्जी कंजप्शन को कैसे प्रभावित करता है। इसका आंसर देखिए, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट जनरली रिक्वायर्ड लेस एनर्जी कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल एनर्जी इफिशियंसी इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि प्रारंभिक उपचार में आमतौर पर
जो सेकेंडरी और टर्सरी ट्रीटमेंट प्रोसेस की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ओवरऑल एनर्जी इफिशियंसी में योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट रोल डज हाइड्रोलिक लोडिंग प्ले इन प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि प्रारंभिक उपचार प्रोसेस में हाइड्रोलिक लोडिंग क्या भूमिका निभाती है। इसका आंसर देखिए, हाइड्रोलिक लोडिंग अफेक्ट्स द कैपेसिटी एंड इफिशियंसी ऑफ स्क्रीनिंग एंड ग्रीट रिमूवल सिस्टम बाय डिटरमाइन द फ्लो रेट एंड रेसिडेंस टाइम ऑफ वेस्ट वाटर इन द ट्रीटमेंट यूनिट। यानी कि हाइड्रोलिक लोडिंग ट्रीटमेंट यूनिट में वेस्ट वाटर के फ्लो रेट और रेसिडेंस टाइम का निर्धारण करके स्क्रीनिंग और ग्रीट रिमूवल वाली यूनिट्स की कैपेसिटी और एफिशिएंसी को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट कंट्रीब्यूट टू द रिमूवल ऑफ पॉलुटेंट इन वेस्ट वाटर, यानी कि प्रारंभिक उपचार वेस्ट वाटर में पॉलुटेंट को रिमूव करने में कैसे योगदान देती है। इसका आंसर देखिए, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट रिमूव्स लार्ज सॉलिड्स डेब्रिस दैट कैन हार्बर पॉलुटेंट एंड पैथोजेंस, रिड्यूसिंग द ओवरऑल पॉलुटेंट लोडिंग इन वेस्ट वाटर बिफोर फर्दर ट्रीटमेंट। यानी कि प्रारंभिक उपचार लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स और डेब्रिज को हटा देता है जो पॉलुटेंट और पैथोजेंस को आश्रय दे सकते थे, जिससे आगे के ट्रीटमेंट से पहले वेस्ट वाटर में ओवरऑल जो पॉलुटेंट का जो लोड होता है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर वेस्ट वाटर डिस्पोजल इन प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, यानी कि प्रारंभिक उपचार में प्रॉपर वेस्ट वाटर डिस्पोजल का क्या महत्व है। इसका आंसर देखिए, प्रॉपर वेस्ट वाटर डिस्पोजल इंश्योर दैट कलेक्टेड स्क्रीनिंग ग्रीट एंड डेब्रिज आर हैंडल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेफली एंड इन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। यानी कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल यह सुनिश्चित करता है कि कलेक्टेड स्क्रीन ग्रीट और मलबे को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से नियमों के अनुपालन में संभालना और डिस्पोज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इम्पैक्ट द रिलायबिलिटी एंड लाइफ स्पेन ऑफ डाउन स्ट्रीम ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि प्रारंभिक उपचार डाउन स्ट्रीम ट्रीटमेंट प्रोसेस की विश्वसनीयता और जीवन काल को कैसे प्रभावित करता है। इसका आंसर देखिए, बाय रिमूविंग एब्रेसिव सॉलिड्स एंड डेब्रिज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हेल्प्स प्रोटेक्ट पंप पाइप्स एंड अदर इक्विपमेंट इन डाउन स्ट्रीम ट्रीटमेंट प्रोसेसेस देयर बाय इंप्रूविंग रिलायबिलिटी एंड एक्सटेंडिंग देयर लाइफ स्पेन। यानी कि अब्रेसिव सॉलिड्स मटेरियल्स और मलबे को हटाकर प्रारंभिक उपचार से डाउनस्ट्रीम उपकरण प्रक्रिया में पंप पाइप और अन्य उपकरण की सुरक्षा में मदद मिलती है, जिससे विश्वसनीयता में सुधार होता है और उसका जीवन काल बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि प्रारंभिक उपचार सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में कैसे योगदान देता है। इसका आंसर देखिए, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीवेज बैकअप्स ओवरफ्लोस एंड ऑर्डर इनहांसिंग पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न्स डिजीज एंड कंटामिनेशन। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट सीवेज बैकअप ओवरफ्लो और ऑर्डर के जोखिम को कम करने में मदद करता है, जिससे जल जनित बीमारियां और पॉलुटेंट के प्रसार को रोककर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट रोल डू रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स प्ले इन द डिजाइन एंड ऑपरेशन टू प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट फैसिलिटी, यानी कि प्रारंभिक उपचार सुविधाओं के डिजाइन और संचालन में नियम और मानक क्या भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर देखिए, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स सेट बाय रेगुलेटरी एजेंसीज डिक्टेट द डिजाइन क्राइटेरिया परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू इंश्योर कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रेगुलेशंस। यानी कि रेगुलेटरी एजेंसियों द्वारा निर्धारित नियम और स्टैंडर्ड्स पर्यावरण और स्वास्थ्य नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक उपचार सुविधाओं के लिए डिजाइन मापदंड प्रदर्शन आवश्यकताओं और परिचालन दिशा निर्देशों को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ इफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि प्रारंभिक उपचार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स से निकलने वाले वेस्ट वाटर की क्वालिटी को कैसे प्रभावित करता है। इसका आंसर देखिए, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इफ्लुएंट बाय रिमूविंग लार्जर सॉलिड्स डेब्रिज एंड पॉलुटेंट्स रिजल्टिंग इन क्लीनर एंड सेफर वाटर डिस्चार्ज इनटू रिसीविंग वाटर बॉडीज आर रीयूज्ड फॉर बेनिफिशियल पर्पज। यानी कि प्रारंभिक उपचार से लार्ज सॉलिड्स मलबे और पॉलुटेंट को हटाकर
फ्लो की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वच्छ और सुरक्षित पानी प्राप्त जल निकायों में छोड़ा जाता है या लाभकारी उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द की कंसिडरेशन व्हेन डिजाइन अ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर अ न्यू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि एक नए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रारंभिक उपचार प्रणाली के डिजाइन करते समय मुख्य विचार क्या है। इसके आंसर देखिए, की कंसिडरेशन इंक्लूड वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लो रेट, स्पेस कॉन्स्टेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट टू इंश्योर द सिस्टम इज इफिशियंट, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि सिस्टम के कुशल, विश्वसनीय और लागत प्रभावी होने को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विचारों में अपशिष्ट जल की विशेषताएं जैसे कि फ्लो रेट, स्थान में कमी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और जीवन चक्र लागत शामिल है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, काफी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेरी है, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है और इसमें कवर ना हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे अलग भी अगर आपकी कोई टॉपिक है और चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बने तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों का प्यार बराबर हमको मिल रहा है, कुछ ना कुछ कमेंट आते रहते हैं, अच्छा फीडबैक आ रहा है, इसलिए मैं बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूं। तो ये भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।